साथियों को नमस्कार। स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर मैं होशियार सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम मैं खड़ा हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के ठीक सामने। आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें यहां पर। इस अंदर चलेंगे भाई, बात करांगे के मोल है, किसी तैयारी चल रही है, क्या कहते हैं ये लोग हुड्डा साहब की कोठी पर। हम इनसे मिलने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे और जानेंगे इनकी तैयारियाँ कैसी हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में कितने मजबूत अपने आप को ये मानते हैं। राम राम जी। राम राम। लोकसभा इलेक्शन आ गया, डेट नज़दीक है, आपकी तैयारियां कैसी हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। कहाँ के बारे में? रोहतक लोकसभा में भाई भूपेंद्र हुड्डा जी भारी जीत की तरफ अग्रसर हैं। दीपेंद्र और सोनीपत से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भारी मार्जन से जीतने वाले हैं। आज आपने पता भी किया हो तो उनका रोड शो था, आपने देखा होगा कितना भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ था। गर्मी में 42 से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर था, तब भी लोगों की भीड़ काबू से बाहर थी, तो उसी से आपको ज्ञान हो जाना चाहिए। एक तरफा माहौल है, बिल्कुल एक तरफा, कोई फाइट नहीं किसी से ना, मेरे को नहीं लगता उनके मुकाबले में कोई ठहर पाएगा। धन्यवाद। राम राम। तो और कैसे हो? ठीक है साहब। के मोल है फिर इलेक्शन का? इलेक्शन दीपेंद्र के पक्ष में जी। एक तरफा कोई टक्कर नहीं किसी की? कोई टक्कर नहीं। अच्छा, पक्के जीते बैठे हो? पक्के जीते बैठे हैं। चलो जी, धन्यवाद। अच्छा, क्यों के काम कर रहा है इसने? आई आई एम दया रोहतक में। हाँ। और मेट्रो लैब आदरगढ़ जी। अच्छा। और कई सामूहिक काम रोडों के गाँवों में ग्रांट दिए इसको, सारे काम अच्छे अच्छे करवाए, नौकरी भी दी इसको, सारी मौज बना रही है। मौज बना रखी है, जब घाटे नहीं कहेंगे, बिल्कुल कोई घाटा नहीं है, ईमानदार है। हाँ जी, बिल्कुल एक तरफ। हाँ जी, वाह जी वाह। राम राम जी। राम राम बड़े छोटे भाई। क्या कहना है भाई? फुल फ्लैग 100% भाई दीपेंद्र हुड्डा, और जो उसके विपरीत में अपोजिट में खड़ा है भाई अरविंद शर्मा, उसकी जमानत जब्त। जमानत जब्त है। और इन्होंने बहुत काम किया है। सबसे बड़ा काम के साथ ये है कि इनकी पहचान जो है, इनकी शराफत और इनका वर्क है जी। मैंने ये बात तो सारे कहेंगे, शरीफ बड़ा गया जी, किसी को नजर तंग नहीं करता। और 10 साल में काम भी, मेट्रो भी लिया है, और भी बहुत इंस्टीट्यूट यहाँ बनाए, काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए, इसलिए भाई दीपेंद्र 100 की 100 जीतेगा। भाई अरविंद शर्मा की जमानत जब्त करूँगा। नौजवान साथी बैठे अपना, इन्हें पूछ रहा, देखिए थोड़ा। हाँ, राम राम भाई। राम राम भाई। अपना की कहना है? कहना क्या है भाई साहब, दीपेंद्र है तो जमा क्लियर है। कदे और कॉन्फिडेंस तो नहीं? ना और कॉन्फिडेंस के विश्वास हमने पूरा। हाँ। क्यों लगा कि जीतेगा? जीतेगा भाई साहब, हम किसी और न जान दे नहीं। अच्छा, हम इतने कर रखे मार मुंह और किसी नाम में नहीं। हाँ, ये तो रुका सारा है, रोहतक रजा दी के मारती सिखा दिया मेरा जीना इसने। अच्छा, मतलब फाइट किसके साथ मार रहे हो? फिर भी कोई चुनौती हो भाई? कोई नहीं, फाइट दूसरा नंबर की लड़ाई है सबकी। हाँ, पहला फाइनल है। अच्छा, हाँ। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम भाई जी। अपना क्या कहना है भाई? मेरा कहना को ना, तो पूरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, पूरे हरियाणा का कहना है। अच्छा। हाँ, दीपेंद्र जी एक शराफत की मिसाल हैं, विकास की मिसाल हैं, और रोहतक हरियाणा के मानचित्र पर तो कभी ख़त्म हो रहा था। जब से ये MP बने हैं, मेंबर पार्लियामेंट, रोहतक में विकास की सीढ़ी लगा दी। अच्छा। हाँ, जैसे मेट्रो लेकर आए हैं, एम्स लेकर आए हैं झज्जर में, यहाँ फ्लाई ओवर दिए हैं काफ़ी, एजुकेशन हब दिया है, हरियाणा में एक पहचान बना दी कि भाई रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। और दीपेंद्र जी का कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं है, सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और भाई ठीक है, एक बार दिन बैठे हो, कौन हम महकमा के हो? अपना की कहना है फिर? बिल्कुल भाई साहब, दीपेंद्र जी 100% पूरे पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं, इस बात में कोई दोराई नहीं है। इसकी एक वजह है, क्योंकि जो BJP का प्रत्याशी है वो पहले भी कई पार्टी बदल चुके हैं, उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। ठीक है, जहाँ तक दीपेंद्र जी की बात है, वो बहुत
नेक नियत वाले इंसान हैं, बहुत साफ छवि है उनकी। रोहतक में बहुत विकास किया है उन्होंने और हुड्डा साहब ने पूरे हरियाणा को इस देश के मानचित्र पे एक अलग पहचान दी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आप मेडिकल फैसिलिटी कह लीजिए। रोहतक में वो आज विश्व स्तरीय फैसिलिटी हम नौजवान साथियों को, बुज़ुर्गों को, हर वर्ग को मिल रही है। ठीक है, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है, वो इस राज में पिछले 4 से 5 साल में पूरी तरह चरमराई हुई है। और शिक्षा की तो बात आप भूल ही जाइए, रोज़गार इन्होंने बीजेपी सरकार ने हरियाणा से ख़त्म कर दिया है। आप भी देख लीजिए पिछले 5 साल में कितनी सरकारी नौकरियां निकाली हैं। ठीक है, हमारे जैसे MBA PhD किए हुए लड़के मान के चलिए 8 से 9 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर है इस बीजेपी सरकार में। और कुछ माता और बहने आई हैं, इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं हम। तो कैसा माहौल चल रहा है आंटी? माहौल खूब बढ़िया चल रहा है सर। जमा डुंडे उठ रहे हैं कति? अच्छा, डुंडे उठ रहा है सर। दीपेंद्र जीतेगा, बहुत वोटर से जीतेगा। अरे इसको खट्टर सरकार को फेंकेंगे। बड़े दुखी कर दिया इसने। ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी सरकार है। हाँ, हमें इतनी महंगाई नहीं देखी। 1,000 का सिलेंडर सारी लुगाई गाड़ बक खटर ने। ताई अपनी भी बात है खरी चवन चांदी की, जय बोलो दीपेंद्र हुड्डा की। हाथ के निशान पर मोर लगाओ। वाह जी वाह। अपना क्या कहना है? हमारा तो यहाँ दो है तो मेरा भी यही कहना है। खट्टर छोटी उम्र का एक। हाँ जी बोलिए। मेरा भी यही कहना है, खट्टर सरकार ने सारा सत्यानाश कर दिया। हमारा दीपेंद्र जीत रहे हैं 101%। कोई किसी की मां ना दूध को ना पैसा जो दीपेंद्र ना राय दे। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं अपने दर्शकों ने ये कहना चाहूँगी, हाथ के ऊपर मोर लगाओ और दीपेंद्र ने जताओ। और इन जो इस तरह का जो इन्होंने प्रचार करा, किसान वो मार दिया, जमींदार वो मार दिया, हमारे युवा है आज भटक रहे हैं रोड के ऊपर। युवा के लिए अगर रोज़गार चाहिए है तो दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र हुड्डा को भारी मतों से जिताएंगे। और सभी की यानी कम यहाँ के बोल रहे हैं, कर्मचारी वर्ग है चाहे किसान वर्ग है चाहे हमारा कोई सा भी वर्ग है, वो सब इनसे दुखी। आज के दिन कॉलोनी का क्या माहौल है? पानी नहीं है। ये रोहतक शहर का है, किसी भी कॉलोनी में जाकर देख लो, पानी तक का दुख है, लाइट तक नहीं आती। पहले तो कभी नहीं देखा था, 10 साल में इतना पानी चल रहा करता, इब क्यों हो गया? पानी ने भी बेच गई है। तो ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। आपने देखा हुड्डा के आवास पर हम इस टाइम मौजूद हैं और यहाँ सभी की एकमत राय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही बाप बेटा बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ से दोनों सीटें जीत करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।